अध्याय सात, बहुकोशिकीय संरचना, उतक, मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर, टिश्यू। हमने पिछले अध्याय में कोशिका और उसके कार्यों के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। हमने यह समझने का प्रयास किया कि सभी सजीव, चाहे वे जंतु हों या पौधे, कोशिकाओं के बने होते हैं। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की जिस महीन परत को सूक्ष्मदर्शी में देखा था, वह वास्तव में बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ही था। हुक ने अपने अवलोकनों में कोशिकाओं के समूह के एक सदस्य को सेल नाम दिया था। पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न भागों, जैसे पत्ती की सतह, गाल की आंतरिक सतह, मछली, चूजे की मांसपेशियों आदि को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें भी कोशिकाओं के समूह दिखाई देंगे। आइए हम क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने का प्रयास करें कि कोशिकाओं के समूह क्या क्या कार्य करते हैं। क्रियाकलाप एक, हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए कोमल तने वाला पौधा, जैसे जिमीकंद, कैना, सदाबहार, मनी प्लांट, पुदीना, एक कांच का गिलास, लाल स्याही, कटर या ब्लेड व हैंड लेंस की आवश्यकता होगी। चुने गए पौधे की दो शाखाएं लें। एक शाखा का वह सिरा जो तने से जुड़ा था, उसे ब्लेड या कटर की सहायता से समतल कर लें। इस हिस्से का हैंड लेंस से अवलोकन करें। आपने जो कुछ भी देखा उसका चित्र बनाएं। कटर या ब्लेड की सहायता से इसी शाखा के तने की खड़ी काट का भी अवलोकन करें, जैसा कि चित्रानुसार दर्शाया गया है। अब कांच के एक गिलास को 3/4 पानी से भर लें। इसमें लाल स्याही की इतनी मात्रा मिला दें कि पानी गहरे लाल रंग का हो जाए। गिलास में दूसरी शाखा को खड़ी कर लगभग 2 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दें। 2 घंटे बाद इस शाखा के तने की आड़ी व खड़ी काट का अवलोकन करें। दोनों अवलोकनों की तुलना करने पर आपको क्या मुख्य अंतर दिखाई दिया? आपको क्या लगता है कि दूसरी शाखा का कुछ ही भाग लाल गुलाबी क्यों हुआ? क्या हम कह सकते हैं कि जो भाग लाल या गुलाबी हुआ, केवल उसी भाग की पानी के संवहन में भूमिका रही है? आपने यह भी अवलोकन किया होगा कि रंगीन भागों की कोशिकाओं की व्यवस्था अन्य भागों की व्यवस्था से भिन्न है। ये कोशिकाएं पौधों में पानी का संवहन कर रही हैं।